नमस्कार दोस्तों, शाहरुख खान की डंकी मूवी, आज इस मूवी का सेकंड संडे है यानी कि 11वां दिन। और इस मूवी की जो एडवांस बुकिंग निकली है वो यकीन मानिए सुनने के बाद शाहरुख खान के फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले हैं। और इस मूवी का जो कल यानी कि सेकंड सैटरडे को जो इसका कलेक्शन निकला था, जैसी उम्मीद थी दोस्तों वैसा ही कलेक्शन निकला है। क्योंकि मुझे मालूम था कि ये मूवी सैटरडे को दहाई का आंकड़ा जरूर क्रॉस करेगी, और इस मूवी ने दहाई का आंकड़ा क्रॉस करके ये सिद्ध कर दिया है कि शाहरुख खान का ये जो रिकॉर्ड है आने वाले समय में कोई भी एक्टर नहीं तोड़ पाएगा, और दोस्तों खुद शाहरुख खान भी नहीं तोड़ पाएंगे, खुद शाहरुख खान भी ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे। सोचिए दोस्तों, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आप खुद सोचिए, बॉलीवुड से लेकर के साउथ तक है कोई ऐसा एक्टर जिस बड़ा एक्टर कोई है बड़ा ऐसा एक्टर जिसकी साल में 3 फिल्में रिलीज हो रही हों? आज के समय में दोस्तों कोई ऐसा एक्टर नहीं। हाँ, बॉलीवुड में अजय देवगन, अक्षय कुमार, ये दो ऐसे एक्टर हैं, इनकी साल में 3 भी फिल्में आ जाती हैं, 4 भी फिल्में आ जाती हैं, लेकिन इनके अलावा ऐसा कोई एक्टर है नहीं जिसकी साल में 3-4 फिल्में आए। और देखा जाए दोस्तों, शाहरुख खान की भी अगर साल में 3 फिल्में ये आई हैं तो इसके पीछे भी शाहरुख खान की 4 साल की मेहनत है। शाहरुख खान ने 4 साल से कोई मूवी नहीं बनाई थी, तो ऐसे में कलेक्शन के मामले में तो मैं ये कह सकता हूं कि जवान का भी भविष्य में रिकॉर्ड ध्वस्त हो सकता है, पठान का भी रिकॉर्ड ध्वस्त होता है, लेकिन 1 साल में 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी देना और 1 ब्लॉकबस्टर मूवी देना, ये रिकॉर्ड ध्वस्त आने वाले समय में ध्वस्त नहीं हो सकता, और शाहरुख खान खुद भी नहीं ध्वस्त हो सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कलेक्शन के बारे में, आप भी कहेंगे क्या आलतू फालतू की बातें बता रहे हो। और दोस्तों वीडियो यार पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दिया करो, यार कर दिया करो। तो अगर हम दोस्तों इसके कलेक्शन के बारे में बात करें तो पहले 10वें दिन की बात कर लेते हैं, शनिवार वाले दिन। दोस्तों शनिवार वाले दिन इस मूवी ने दहाई का आंकड़ा छुआ है और ये मूवी ने 10 करोड़ की कमाई करी है, और इसका जो टोटल नेट कलेक्शन हो गया है वो हो गया है 177 करोड़, यानी कि 177 करोड़। दोस्तों 10 करोड़ का ग्रॉस कितना बनेगा? 12 करोड़ तो बनेगा। और ओवरसीज में दोस्तों अगर फ्राइडे की बात करें तो इस मूवी ने 8.5 करोड़ की कमाई करी थी, तो शनिवार को तो ये दोस्तों 10 करोड़ की कर ही लेगी। और ओवरसीज में शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग कितनी खतरनाक है ये मैं आपको हर वीडियो में बताता रहता हूँ। तो अगर 10 करोड़ करती है तो इसका टोटल वर्ल्ड वाइड कितना बनता है? 22 करोड़ रुपये, यानी कि 10 दिन के अंदर ये वर्ल्ड वाइड 10वें दिन 22 करोड़ कमा रही है। दोस्तों 9 दिन की अगर मेकर्स की रिपोर्ट माने तो मेकर्स की तरफ से 340 करोड़ 61 लाख की वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट आई थी, उसमें अगर हम 22 करोड़ जोड़ दें तो कितना बन गया? 362 करोड़ रुपए। ओ भाई, सलार के सामने इतना कलेक्शन ये सिर्फ शाहरुख कर सकता और कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों मूवी सोशल ड्रामा थी, एक्शन ड्रामा नहीं थी। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज इसके सेकेंड संडे की। दोस्तों देखा जाए कल इस मूवी ने 1 लाख टिकट का भी आंकड़ा नहीं छुआ था, 95,000 इसकी टिकट सोल्ड आउट करी थी, लेकिन आज की बात करें तो आज इस मूवी ने 1,26,000 टिकट सोल्ड आउट कर दी है, और इसका जो एडवांस बुकिंग निकला वो निकला है 3.75 करोड़ कल से ज़्यादा। तो कल से ज़्यादा आज कलेक्शन भी करेगी, और संडे भी है भाई, कल 10 करोड़, आज यार 13 करोड़ तो कर ही लेगी, 12 से 13 करोड़। अगर दोस्तों हम 13 करोड़ भी मान के चलें तो 177 करोड़ मैंने बता दिया था, उसमें अगर 13 करोड़ जोड़ दे तो ये होता है 190 करोड़, और अब ये मूवी 200 करोड़ के आंकड़े के करीब बिल्कुल पहुंच गई है। वहीं अगर दोस्तों हम 13 करोड़ का ग्रॉस ढूंढें, 16 करोड़ ओवरसीज से दोस्तों अब कम भी कर लें, कल से आज कम कर लें, क्योंकि दोस्तों देखा जाए मूवी अब सम टाइम हो गया है, सब जगह कलेक्शन गिरेगा, ओवरसीज में संडे को गिर जाता है, जैसे अपने यहाँ संडे को बढ़ता है विदेशों में संडे को गिर जाता है। अगर इसका 1 करोड़ कलेक्शन गिर जाएगा, 9 करोड़ अगर ये तब भी कमाएगी तो इसका कितना हो जाएगा? 25 करोड़, यानी कि आज ये मूवी वर्ल्ड वाइड 25 करोड़ कमाते हुए दिख रही है, और जो मेरे पास रिपोर्ट हो गई थी वो हो गई थी 362 करोड़ की, और 362 में अगर दोस्तों हम 25 करोड़ जोड़ दें तो कितना होता है?
388 करोड़ रुपए, यानी कि ये मूवी 400 करोड़ के बिल्कुल करीब पहुंच गई है। और मंडे की कल की जो मैं रिपोर्ट आपको बताऊंगा, तो ये मान के चलिए उसमें 400 करोड़ की मोहर तो लगी लगी होगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और ये मूवी जिस हिसाब से बवंडर मचा रही है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। दोस्तों, मैंने आपको बताया है ना कि शाहरुख खान का ये रिकॉर्ड खुद शाहरुख खान भी नहीं तोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि तोड़ सकते हैं, तो बताइए कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं। ये मूवी 500 करोड़ कमा के वर्ल्ड वाइड ब्लॉकबस्टर हिट होने जा रही है, 400 करोड़ भी कमाएगी ब्लॉकबस्टर। मूवी का बजट आज की डेट में 200 करोड़ भते बताया जा रहा हो, लेकिन इस मूवी का बजट 150 करोड़ रुपए है दोस्तों, 150 करोड़। हालांकि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने इसमें फीस नहीं ली है। मैं कह रहा हूँ, अगर शाहरुख खान फीस भी लेते तो कितनी फीस ले लेते, ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 करोड़ रुपये फीस ले लेते। क्या कम बजट की मूवी नहीं बचती? अभी हाल ही में सैम बहादुर 50 करोड़ बजट था उसका, है उसमें तो तब भी गोलाबारी बंदूक चलती है। हम इसमें कह रहे हैं कि अगर शाहरुख खान 80 करोड़ रुपए फीस ले लेते तो 70 करोड़ बाकी कहां गया? कौन सा ऐसा एक्टर आपको लगता है कि जो कि इसमें 15-20 करोड़ रिलीज होगा? कोई भी 10-12 करोड़ के ऊपर का कोई एक्टर है ही नहीं इसमें। और रही राजकुमार हिरानी की बात, देखा जाए दोस्तों, राजकुमार हिरानी ने भी इस मूवी में प्रोडक्शन में उनका हिस्सा है। इस मूवी में राजकुमार हिरानी ने भी अपने पैसे लगाए हैं, और जो दोस्तों परसेंटेज लेता है ना, तो वो इतनी ज़्यादा फीस चार्ज नहीं करता। हालांकि अगर हम शाहरुख खान की फीस इतनी तगड़ी मानेंगे तो फिर परसेंटेज का आएगा, और अगर परसेंटेज मानेंगे तो फिर शाहरुख खान की फीस इतनी तगड़ी क्यों दोस्तों? तो इसका मतलब मूवी का बजट 150 करोड़ मान के चलिए, 200-300 करोड़ मत मानिए, क्योंकि जिस हिसाब से इस मूवी का कलेक्शन बढ़ता जाएगा, वो लोग इसका बजट भी बढ़ाते चले जाएंगे, हमें पता है। लेकिन मूवी का जो रियल बजट आया था, वो आया था 85 करोड़ रुपए। किसी की फीस नहीं चार्ज हुई थी, शाहरुख खान की फीस नहीं चार्ज हुई थी, 85 करोड़ बजट आया था। अगर दोस्तों आज इस मूवी में हम शाहरुख खान की 80 करोड़ फीस बता जोड़ भी दें, तो 150 करोड़ के तो अल्ले पल्ले हो रही है, 150 करोड़ तो हो रही है। तो मूवी तो नेट कलेक्शन के मामले में 150 करोड़ और वर्ल्ड वाइड के मामले में 400 करोड़, तो हो गई ना ब्लॉकबस्टर हिट, और क्या चाहिए दोस्तों? दोस्तों, अगर अभी भी मेरी वीडियो में आपको शक है या मेरी बातों पे आपको शक है, तो वीडियो को लाइक मत करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इतनी देर मेहनत करी है। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।